फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आई हैव प्रिपेयर्ड अ प्रैक्टिस सेट फॉर क्लास 9th स्टूडेंट टू लेट देम नो व्हाट दे हैव स्टडी टिल नाउ फ्रॉम आवर वीडियोज और फ्रॉम द टेक्स्ट बुक विच दे आर रीडिंग इन देयर क्लासेस। सो इस टेस्ट के अंदर, इस प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको चार सेक्शन मिलेंगे, सेक्शन ए, बी, सी एंड डी। सेक्शन ए इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स एंड देन हमारा ज्योग्राफी, देयर आफ्टर सिविक्स एंड देन हिस्ट्री। हर सेक्शन के अंदर 40 मार्क्स रखे गए हैं, 10 मार्क्स के एमसीक्यू चारों सेक्शन में है। आप इस सेट को, प्रैक्टिस सेट को कीजिएगा और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिएगा, और उसके बाद चेकिंग अपने क्लास टीचर या जो भी आपको सब्जेक्ट ये पढ़ाते हैं उनसे कराइएगा, और उनके साथ अपना एक अच्छा सा डिस्कशन कीजिएगा कि सर मैंने ऐसे ही आंसर लिखे हैं या मैंने ये आंसर लिखे हैं, आप इसमें जो चेंजेस हैं फर्दर वो आप हमें बताइए। तो आप उनसे चर्चा कीजिएगा इस चीज में, और इन एमसीक्यूज के आंसर जिसका आपको नहीं पता है उसका आप हमें कमेंट बॉक्स में भी हमसे पूछ सकते हैं, हम बताएंगे आपको जरूर। और आप नेट पे भी सर्च कीजिएगा, ताकि क्या होगा, आपका एरिया ऑफ एक्सपेंडिंग द थिंग्स विल राइज। तो ये क्लास 9th के लिए है। नेक्स्ट संडे को हम क्लास 10th के लिए इसी तरह का एक अच्छा सा प्रैक्टिस सेट प्रिपेयर करेंगे चारों सेक्शंस का। तो उम्मीद है गाइज आप इस प्रैक्टिस सेट को कीजिएगा अपनी नोटबुक में, और फिर अपने टीचर से, सब्जेक्ट टीचर से इसको चेक कराने की पूर्ण रूप से कोशिश कीजिएगा। तो मैं आपको ये प्रैक्टिस सेट दिखा रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा एक बार, और इसका पीडीएफ हम अवेलेबल करा देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर उसके बाद उसको अपना शुरुआत कर दीजिएगा करने की। हर सेक्शन के अंदर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। बड़ी मेहनत से तैयार किया है, अगर आप लोग इसको करेंगे तो हमारी मेहनत का कुछ सार्थक मतलब निकलेगा, ताकि आप लोग सीखें वही हमारे लिए सबसे बड़ी सक्सेस है। हम इसको पूरे को टर्न आउट करके दिखा देंगे, इसमें 14 पेजेस हैं, आप लोग इनको जरूर कीजिएगा। और बहुत ही अच्छे लेवल के, मतलब हमने क्वेश्चंस डिजाइन किए हैं, ताकि आपको ये उससे हमें और आपको ये भी स्टैंडर्ड का पता लगे कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं और कौन से वो फील्ड है जिन पर आपको अभी काम करना है, या वो कौन से टॉपिक्स हैं जो अभी जिनमें आपको अभी और स्टडी की जरूरत है, या टीचर से अपने और ज्यादा लेवल की डिस्कशन की जरूरत है। तो आप इनको जरूर कीजिएगा। फिर इन द ब्लैंक्स भी डाले हैं हमने कुछ सेक्शंस में, और प्रैक्टिस सेट के लिए अच्छे अच्छे शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर भी दिए हैं। और अगर आप इनको, इस पेपर को 80% से अबव कर लेते हैं, तो हमारा ऐसा मानना है कि आपको एग्जाम में बहुत ही अच्छे लेवल के नंबर मिलने वाले हैं, क्योंकि हमने इसका लेवल इजी टू मॉडरेट रखा है, ताकि आप लोग इसको अच्छे से कर सकें। ये हमारा सिविक्स का सेक्शन है, इन क्वेश्चंस को आप जरूर ट्राई कीजिएगा स्टूडेंट्स, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और इसमें कुछ क्वेश्चंस हमने ऐसे भी मेंशन किए हैं जो आपके ही लेवल के हैं, आपके ही क्लास बुक्स के हैं, पर यूपीएससी कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो हमने उसको भी इसमें कवर अप करने की कोशिश की है। तो आप सीख देखिए, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ही फायदा पहुंचेगा, और हम लोगों को भी खुशी मिलेगी अगर हमारे जरिए कोई सीख पाया चीजों को, तो हमें भी अच्छा लगेगा। ये इस पेज पे इतना ही है। अब ये हमारा लास्ट सेक्शन है क्लास 9th के प्रैक्टिस सेट 1 का, हिस्ट्री का। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा, करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, और इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन से, उसमें भी कोई इशू नहीं है। और हम आपके लिए इतना एफर्ट कर रहे हैं, तो आप भी हमारे लिए थोड़ा सा एफर्ट कीजिएगा, हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हम भी ग्रो कर सकें। बस हमारी तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, बाकी आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, अपने सोचने के तरीके को, अपने प्रैक्टिस करने के तरीके को एक्सपेंड कीजिए, फिर देखिएगा कोई भी आपको नहीं हरा पाएगा कभी भी। और हमेशा पूरी ईमानदारी से अपनी पढ़ाई कीजिए, देखना आपके अलावा इस दुनिया में ऐसी कोई नहीं होगा जो शाइनिंग स्टार होगा, बस आप ही होंगे उसमें। तो इतना ही था इसमें हमारे पास, आप इसको प्रैक्टिस सेट को कीजिएगा, फिर बहुत ही जल्द हम प्रैक्टिस
सेट टू के साथ भी आएंगे 9th क्लास के, इतना आप इसको कीजिएगा। और जो भी आपके जहाँ पे भी आपको लगे कि आपको अपना उस टॉपिक पे काम करने की ज़रूरत है तो आप उसको अच्छे से कीजिएगा। ठीक है गाइस, धन्यवाद।